My greatest achievement is, I think my greatest achievement is the economic revival of Pakistan. मेरे ख्याल में मैं यही कहूँगा, क्योंकि वो बेसिस था. जब 99 में मैं डिस्करेज हो गया था, शुरू शुरू में मैं डिसहार्टन था, क्योंकि मैंने सोचा ये मुश्किल है बचाना इसको, पाकिस्तान को, क्योंकि जब मैंने देखा कि कहाँ हम हैं, ये लोगों को आम पता नहीं होता है, आम आदमी को मालूम नहीं होता है. जब देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 200 मिलियन डॉलर है, डेट्स इतने बढ़े हुए हैं, इतने ज्यादा हैं कि डेट सर्विस के लिए 5 अरब डॉलर हर साल देते हैं हम, वो कमाई उतनी होती नहीं है, तो बोरो करते हैं जाकर, बोरो करते हैं तो और ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे तो बचना ही मुश्किल है. कभी नहीं निकल सकते हम इससे, कैसे निकलेंगे? ऊपर से जितनी भी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है वो 100 अरब रुपए डेली ईयरली लॉस में जा रहे हैं, 100 बिलियन रुपीज. तो मैं समझ रहा था कि ये बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये कोई अगर सोचता है कि बच सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे ख्याल में हम हैं, हम वायबल ही नहीं है. तो मैं डिसहार्टन बिल्कुल मैं, और फिर मुझे इकोनॉमी की समझ भी नहीं थी फ्रेंकली, और मुझे मालूम था कि यही एक वाहिद चीज है जिससे मुल्क बचेगा, इसको ठीक करेंगे तो फिर मुल्क बचेगा, और फिर ही हम एजुकेशन या कल्चर या जिस. तो मेरे ख्याल में माई अचीवमेंट वॉज, अल्लाह ताला ने साथ दिया ये मैं कहूंगा, गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड वी मैनेज समहाउ और वी टर्न्ड इट अराउंड. अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब मेरी बिल्कुल ऑपोजिट व्यू है, जबकि मैं पहले सोचता था कि, और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हर चीज है, दिमाग भी है, रिसोर्सेज भी है, पोटेंशियल भी है, हर चीज है. वो तो मिसमैनेज हो रहा था सब कुछ, और कुछ नहीं था, मिसमैनेज हो रहा.